हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसके दो लेक्चर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। और पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस में मैं आय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको, तो उसी से शुरू करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सीता की आय गीता से 25% अधिक है। जैसे मैंने बोला सीता की आय गीता से 25% अधिक है, तब सीता की आय गीता से 25% अधिक है, तब गीता की आय सीता से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहाँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था वही मेथड लगाना हमें, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 25% क्या है, सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है। तो 25% की हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीता की आय गीता की आय से 25% अधिक है। तो ये किसकी आय होगी, ये गीता की आय होगी। ये गीता की आय है 4, 25% सीता की अधिक है, तो सीता की आय कितनी हो जाएगी, सीता की आय कितनी हो जाएगी। देखो एक बढ़ रही है, तो एक में हम 4 में हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे, तो 4+1=5। ये क्या होगी, सीता की आय हो गई, और ये 4 क्या है, गीता की आय है। तब हमसे पूछ रहा कि गीता की आय सीता की आय से कितनी कम है। गीता की आय सीता की आय से कितनी कम है, सीता की कितनी है 5, गीता की कितनी है 4, तो कितना कम है, ये 1 कम है। 1 कम है तो परसेंटेज निकालेंगे हम, तो 1 को ऊपर रखेंगे। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, सीता से, मतलब सीता से कितनी कम है गीता की। तो हम सीता की कितनी थी 5, सीता की आय को नीचे रखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार। तो इसका मतलब क्या है, 20%। ठीक है, कम है। तो गीता की आय सीता से कितने परसेंट कम होगी, 20% कम होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप की क्वेश्चन देखते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, ये आपको बताना। तो आपको क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। ठीक है, अब ए की आय बी की आय से अधिक है, तो ये किसकी आय होगी,
ये बी की आय होगी, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय 10 है और ए की आय अधिक है 10%, तो इसका मतलब बी ए की आय कितनी होगी 10 प्लस के 1 बराबर 11, ठीक है। ये किसकी आय होगी, ए की। अब ये पूछा कि बी की आय कितनी कम है ए से, तो बी की कितनी कम है, एक कम है, क्योंकि ए की 10 है, वो ए की 11 है और बी की कितनी है 10 है, तो कितनी कम है, एक कम है, किससे 11 से, गुणा करेंगे किससे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारी बी की आय होगी ए से कितनी कम होगी, ठीक है। तो देखो कितने बार जाएगा ये, 11 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 11 9 99, एक बचेगा 1/11%, तो इतनी कम होगी बी की आय ए से, 9 सही 11 1/11%, ठीक है, आया समझ में। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राम की आय श्याम की आय से 33 सही 1/3% कम है, तब राम की आय श्याम की आय से 33 सही 1/3% कम है, तब श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, ठीक है। तो राम की आय श्याम की आय से कितने कम है, 33 सही 1/3% कम है, तो हम सबसे पहले यह करेंगे 33 सही 1/3% का क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3, ठीक है, 1/3 इसका फ्रैक्शन होता है। ये कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 33 सही 1/3% कम है, तो ये किसकी आय है, ये श्याम की आय है, ठीक, राम की आय कम है 33 सही 1/3%, इसका मतलब एक कम है, श्याम की 3 है तो राम की कितनी होगी, इसलिए राम की कितनी होगी 2, ठीक है, राम की 2 है श्याम की 3 है, तो हमसे पूछा कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है भैया, एक अधिक है, कितने से 2 से, तो 1/2 × 100 करेंगे हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 50%, तो श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ उसके बारे में जानते हैं, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टाइप है आपके यहाँ, यदि मैं आपसे बात करूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 40% क्या करता है, घटता है, तथा बाद में 20% बढ़ता है, तब कुल कमी या वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है ये, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला लिख लो, कुल कमी या वृद्धि बराबर क्या होता है हमारा, x प्लस वाई अपॉन 100,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका कुल कमी या वृद्धि का। एक्स क्या है, जो शुरू में घट रही है या बढ़ रही है परसेंटेज, वो है एक्स। वाई क्या है, जो बाद में घट रही है या बढ़ रही है वो परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज गिवन होगी आपको। पहले बोलेगा कि 10% घट रही है, बाद में बोलेगा 20% बढ़ रही है, या पहले बोलेगा 5% घट रही है, बाद में बोलेगा 10% बढ़ रही है। इस स्टेप से आपको डिफरेंट परसेंटेज मिलेगी और आपसे पूछेगा कि कुल वृद्धि या कुल कमी बताइए कितनी होगी परसेंटेज में। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि वस्तु का क्रय मूल्य पहले 40% घटता है तथा बाद में 20% बढ़ता है, तो कुल कमी या वृद्धि क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो x कितना 40 और y कितना 20, फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो। देखो घटता है तो घटने का मतलब है निगेटिव में लेंगे हम इसको, माइनस के 40। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे 20 एज इट इज। उसके बाद प्लस x क्या है, घट रहा है, माइनस के 40 गुणा 20 प्लस में आया क्योंकि बढ़ रहा था ये, और अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ माइनस के कितना 20 है, 40 है, और यहाँ प्लस के कितना 20 है, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 20 प्लस, देखो यहाँ से माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, कितना आएगा ये 800/100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, कितना आएगा, माइनस के 8 आ जाएगा, और माइनस के 20 ये है, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस के 28। माइनस साइन जो है ये डिनोट करता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। किस चीज़ को डिनोट करेगा, माइनस घटने को डिनोट करेगा, डिक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40% पहले घटता है तथा बाद में 20% बढ़ जाता है, तो उसमें कुल कमी कितने की आएगी, 28% की कमी आएगी। निगेटिव साइन आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये कमी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर यही चीज पॉजिटिव आती तो समझ लो ये 28% बढ़ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे आपके। चलिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि चावल का मूल्य पहले 30% कम होता है तथा बाद में 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, तब कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बताना आपको। यदि चावल का मूल्य पहले क्या हुआ, 30% कम होता है, बाद में 10% बढ़ता है, कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, वही करना है जो पहले क्वेश्चन में करा था, कुल खर्च पर प्रभाव बराबर क्या आएगा, x plus y upon 100। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसका मतलब घट रहा था, तो इसे किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे 30, प्लस 10% क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसका मतलब 10 आ जाएगा हमारा, x into 22, x कितना मेरा 30, ये निगेटिव में है, और y कितना है 10 upon 100। ठीक है, देखो 30 माइनस का है, 10 प्लस का है, कितना आएगा यहाँ से, माइनस के 20 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 300/100, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तो कितना आएगा, माइनस के 20 माइनस के 3, कितना आएगा ये, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस की आएगा, तो कितना आएगा 23% क्या होगा, खर्च घट जाएगा। यदि चावल का मूल्य पहले 30% कम कर दिया जाए तथा बाद में 10% बढ़ा दिया जाए, तो कुल खर्च पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, 23% हमारा क्या होगा,
कम हो जाएगा कुल खर्च। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी टाइप का देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ती है तथा चौड़ाई 5% कम होती है तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये बताना। क्वेश्चन ये है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ती है तथा चौड़ाई क्या होती है 5% कम हो जाती है, तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। कर लोगे? कैसे करोगे? देखो वही करना है, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल पर कुल प्रभाव बराबर x + y xy/100। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मूला याद हो जाए, बाकी आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे बढ़ रहा है तो सीधे आप क्या लिखेंगे, प्लस में, घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। प्लस बढ़ रहा है 10, माइनस में 5/100। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे आप मन मन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 10 प्लस का, यहाँ 5 माइनस का, तो क्या आएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, देखो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और कितना आएगा, ये 50 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कटेगा, ये हमारा क्या आएगा, 5 माइनस के 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा, जब 5 में से हम 0.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 4.5% बढ़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो 4.5% क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल आयत का। आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलेगा कि किसी वस्तु, ये नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट बोलेगा किसी वस्तु का मूल्य x% घटता है तथा बाद में x% बढ़ता है तब कुल कमी या वृद्धि क्या होगी, ये बताना है। यदि परसेंटेज, घटने का परसेंटेज और बढ़ने का परसेंटेज सेम हो आपको गिवन, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखोगे, और देखो जब भी किसी भी वस्तु का मूल्य या किसी भी संख्या में क्या होगा, पहले घटेगा या बढ़ेगा, या पहले x% बढ़ेगा फिर x% घटेगा, कुछ भी बोले, लेकिन परसेंटेज क्या हो, सेम हो दोनों टाइम में, तो उस टाइम में क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, हमेशा आपको क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा कुल कमी होगी। ठीक है, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती है, यदि x% ही घट रहा है और x% ही बढ़ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, यदि आपसे कंफ्यूज करने के लिए वृद्धि भी बोल दे तो वृद्धि पे ध्यान नहीं देना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कुल कमी होगी। ठीक है, और वो कमी किसके बराबर होगी, वो होगी x²/100% के। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, इस पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन बनेगा कि यदि
यदि चीनी का मूल्य पहले दस परसेंट बढ़ता है तथा बाद में 10% घटता है, तब चीनी के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, कुल कमी या वृद्धि बतानी है हमें। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में जब क्या होगा, x परसेंट बढ़ेगा और x परसेंट घटेगा। देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कमी होती है, और वो कमी किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% के बराबर होती है। x क्या हमारा, जो भी परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कुल कमी हमेशा कुल कमी होगी, कुल कमी बराबर कितना परसेंट है, 10%। तो 10% का क्या करेंगे हम, स्क्वायर अपॉन 100, इतने परसेंट की क्या होगी, कुल कमी होगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 100/100, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 1%। तो 1% की क्या होगी, ये कमी होगी। ठीक है, चीनी के मूल्य में क्या होगी, 1% की कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले को लिख लेना, मिटा देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपए है तब यदि मूल्य पहले 20% घटता है तथा बाद में 20% बढ़ता है, तब वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, देखो किसी वस्तु का मूल्य क्या गिवन है हमें, 250 रुपये गिवन है। यदि मूल्य पहले क्या होता है, 20% घटता है तथा बाद में 20% बढ़ता है, तब वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, देखो सेम परसेंटेज 20% यहाँ 20% वहाँ पे है, और कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, कुल कमी होती है, कुल कमी। ठीक है, वो कितनी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे हम अपॉन 100%। तो को 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400/100, 20 से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 4% की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा था कि वस्तु के मूल्य में कुल कमी या वृद्धि बताइए। तो ये 4% की कमी हो रही है, लेकिन वस्तु का मूल्य हमें गिवन था कितना, 250। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बताया था शुरू में कोई भी चीज़ इनिशियली क्या होती है, अपने आप में 100% होती है या एक होती है। यदि हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो एक लेके चलेंगे, और यदि हम परसेंटेज में लेके चलेंगे तो हम 100% लेके चलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। तो शुरू में क्या 100% है, 100% किसके बराबर थी, 250। अब हमसे पूछा कि वस्तु के मूल्य में कुल कमी कितनी होगी, कमी कितनी हुई, 4% की हुई, लेकिन हमें रुपए में दे रखा था तो हम आंसर रुपए में ही बताएंगे। तो रुपए में कितनी कमी होगी, पहले 100 थी, 4% की कमी होगी, इसका मतलब कितना बचा होगा, 96% बचा होगा। तो 96% बराबर कितना होगा, 250 × 96/100। ठीक है, देखो 10 से 10 जाएगा, 5×5 25, 5×2 10, 2 से काटेंगे इसको, देखो 2 × 4 8 16, 5×48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8×5 40 का 0 हासिल, 4
पाँच चौक बीस और चार चौबीस, कितना आ गया 240 रुपये, जो हमारा वस्तु का मूल्य होगा। ठीक है, वस्तु का मूल्य में जो कुल कमी या वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 10 रुपये की कमी होगी, और नया मूल्य जो होगा वो कितना होगा हमारा 240 रुपये। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।